Here is a question. An aqueous solution contains 3% and 1.8% by mass of urea and glucose respectively. What is the freezing point of solution आपको calculate करना है. तो देखो बेटा आपके पास एक solution है. ध्यान से समझ इस question को. आपके पास एक solution है. इस solution के अंदर दो चीजें. एक तो है solvent और एक है solute. लेकिन solute कितने हैं? Solute आपके पास दो है. एक तो है आपके पास यूरिया और एक कौन आपके पास ग्लूकोज है. चलो ये क्लियर हुआ. सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट है. सॉल्यूट दो है, यूरिया और ग्लूकोज. यूरिया कितना दिया है? यूरिया दिया है 3% बाय मास. मतलब कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 3 ग्राम तो क्या हो गया? यूरिया. और 100 ग्राम सॉल्यूशन में 1.8 ग्राम क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया. क्लियर हुई बात? यही होता ना, 100% में 3% यूरिया है. मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि 100 ग्राम के अंदर 3 ग्राम क्या है? मेरे पास यूरिया है. तो 3 ग्राम तो है यूरिया, 1.8 ग्राम है ग्लूकोज. तो बताओ सॉल्वेंट का वेट कितना हुआ? टोटल अमाउंट है 100 ग्राम. 100 ग्राम में से 4.8 ग्राम हटा दो सॉल्यूट को, बचा कितना? सॉल्वेंट का अमाउंट 95.2 ग्राम. इट मींस सॉल्वेंट का वेट है 95.2 ग्राम. क्लियर है? चलिए अच्छा, कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताने के लिए आपको बताओ फॉर्मूला क्या होता है. डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ ऑफ सॉल्वेंट माइनस टीएफ ऑफ सॉल्यूशन. यही होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. अगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताना है तो आपको ऑब्वियसली बात है, एक तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए. सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एक सॉल्यूशन है. क्लियर है? तो वाटर ही होगा सॉल्वेंट. वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस. माइनस टीएफ ऑफ सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली बात है आपको डेल्टा टीएफ भी चाहिएगा. अगर आपके पास डेल्टा टीएफ आ गया तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. चलिए डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करते हैं. देखो डेल्टा टीएफ कैसे कैलकुलेट करोगे? डेल्टा टीएफ हो जाएगा आई इंटू केएफ इंटू मोलिलिटी हो जाएगा. चलिए डेल्टा टीएफ हमें कैलकुलेट करना है. आई वांटा फैक्टर, यूरिया और ग्लूकोज दोनों के लिए वांटा फैक्टर कितना होता है? 1 होता है. तो इसे तो लिख दो 1. इंटू के कितना है? 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलल. इंटू अब क्या बचा? अब बचा मोलिलिटी. मोलिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? देखो ध्यान से देखना, मोलिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितने हैं? 2 है, एक तो यूरिया और एक ग्लूकोज है. तो दोनों के मोल्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे. चलिए करते हैं. यूरिया का मोल्स कितना हो जाएगा? गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास. ये कितना हो जाएगा? 0.05 मोल. इसका कितना हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास. ये हो जाएगा 0.01. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? यूरिया प्लस ग्लूकोज कर दो, यूरिया प्लस ग्लूकोज ये हो गया 0.06 मोल. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 0.06. ठीक है, अब क्या बचा? वेट ऑफ सॉल्वेंट. वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 95.2 ग्राम. इसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे. चलिए आ जाइए, यहां पर मोल्स हो गए 0.06, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 95.2 ग्राम. किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम इसे डिवाइड करेंगे. 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा. बस अब यहां पर आपको डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करना है. यहां से उठाइए डेल्टा टीएफ, जो भी वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट कर लेना, उसे उठाना यहां पर और टीएफ ऑफ सॉल्यूशन आप कैलकुलेट कर सकते हो. टीएफ सॉल्यूशन कैसे मिल जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस माइनस डेल्टा टीएफ. तो हियर इज द योर आंसर. एंड चेक कर लेना आप, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन.